Look at the video. Nice jump, right? Look again at the video. Wow, nice effect. No problem. I am here to show you how can we apply the freeze frame effect in Filmora 9. Without wasting any time, let's start the video. At first, you have to import your shoot video or download video into the timeline. So, main mera shoot download kiya hua video इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ. आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि वीडियो 60 fps में रिकॉर्ड होना चाहिए बिकॉज फॉर रिजल्ट द बेस्ट क्वालिटी. एंड मेथड वन में एप्लीकेबल है जो वीडियो, वो वीडियो में बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए अपने कैरेक्टर से, मतलब कैरेक्टर बैकग्राउंड से डार्क होना चाहिए. सो मैं मेरा डाउनलोड किया हुआ इम्पोर्ट किया वीडियो. नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ये वीडियो लेयर में डालना है. दिस वीडियो लुकिंग फार अवे, सो आई हैव टू जूम इट, लेट्स से 136, राइट. सो आप देखिए कि जूम इन करके वीडियो सही दिख रहा है. तो अनदर पोर्शन में कट कर लेता हूँ और रिपिल डिलीट कर देता हूँ. अब मैं इधर फ्रीज फ्रेम इफेक्ट अप्लाई करूँगा. इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए. मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सेकंड के बाद इस टाइम पे मैं फ्रीज फ्रेम अप्लाई करूँगा. तो आपको क्या करना है, इधर राइट साइड में जाइए और स्नैपशॉट ऑप्शन है, स्नैपशॉट में क्लिक कीजिए. स्नैपशॉट आ गया. स्नैपशॉट को उसी ड्यूरेशन में ड्रैग करके इधर दीजिए और विजुअलिटी ऑफ कीजिए. नेक्स्ट में मैं सोच रहा हूँ मिडिल में एक फ्रीज फ्रेम इफेक्ट कोशिश करूँगा, तो मैं इधर दूंगा. उसका भी एक सेकंड स्नैपशॉट उठाइए. सेकंड स्नैपशॉट उठाने के बाद उसी ड्यूरेशन में ड्रैग करके उसको टाइमलाइन में लेयर बाय लेयर दीजिए. लास्ट जो मेरा फ्रीज फ्रेम इफेक्ट होगा, आप अनलिमिटेड दे सकते हो. मैं सोच रहा हूँ कि इधर दूंगा. इसका एक स्नैपशॉट उठाइए. स्नैपशॉट उठाने के बाद वही स्नैपशॉट को टाइमलाइन में उसी ड्यूरेशन में दीजिए और सबका विजुअलिटी ऑफ कीजिए. उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट स्नैपशॉट जहाँ पर टाइमलाइन में आप डाले थे उसको डबल क्लिक कीजिए. कंपोस्टिंग में जाइए और ब्लेंडिंग मोड में डार्कन कीजिए. नेक्स्ट में नेक्स्ट और दो स्नैपशॉट आप जो उठाए थे वो स्नैपशॉट को डबल क्लिक कीजिए, डार्कन कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और डार्कन कीजिए. आप सभी स्नैपशॉट को अपने वीडियो के ड्यूरेशन के अंदर सेम ड्यूरेशन में रखिए. अब आप वीडियो को प्ले कीजिए. दिस गोना शो यू अमेजिंग फ्रीज फ्रेम इफेक्ट इन योर वीडियो. हाउ इट लुक्स प्लीज कमेंट बिलो इन द वीडियो. अगर आप इस वीडियो को रिवर्स फ्रीज फ्रेम इफेक्ट देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पहले एक्सपोर्ट में जाइए. एक्सपोर्ट में जाके सेटिंग में जाके 60 fps में इसको एक्सपोर्ट कीजिए. 60 fps में एक्सपोर्ट करने के बाद, मैं पहले ही एक्सपोर्ट कर चुका हूँ तो उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा. ये रहा मेरा एक्सपोर्ट हुआ वीडियो. उसके बाद टाइमलाइन में आपका जो भी है वो सब डिलीट कीजिए और एक्सपोर्ट वीडियो को टाइमलाइन में दीजिए 60 fps में, मैक्सिमम fps में. उसके बाद स्पीड में जाइए और रिवर्स में क्लिक कीजिए. अब इसको प्ले कीजिए. दिस गोना शो यू द रिवर्स फ्रीज फ्रेम इफेक्ट इन योर वीडियो. मेथड नंबर टू पे मैं दिखाऊंगा कि आप किसी भी वीडियो के ऊपर ये फ्रीज फ्रेम इफेक्ट
दे सकते हो। इसलिए मैं ऐसा एक वीडियो लिया जो बैकग्राउंड भी लाइट नहीं है और किसी भी आप वीडियो उठाइए पर आपको याद रहना चाहिए कि 60 fps में ही उठाइए फॉर बेस्ट रिजल्ट। हर एक वीडियो में एक एक करके स्नैपशॉट उठाऊंगा। मान लीजिए कि इधर एक मैं स्नैपशॉट उठाऊंगा तो टेक ए स्नैपशॉट फॉर दिस, नेक्स्ट टेक ए स्नैपशॉट फॉर दिस एंड आपको इसी तरह से एक के बाद एक आप जिधर भी फ्रीज फ्रेम इफेक्ट देना चाहते हो उसका स्नैपशॉट आप उठा लीजिए। तो मैं 3 बार ही फ्रीज फ्रेम इफेक्ट देना चाहता हूँ इस वीडियो में, तो मैं 3 बार स्नैपशॉट उठाया। अब आपको मेथड 2 में क्या करना है, ये जो आप हर एक स्नैपशॉट देख रहे हो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन इज टू यूज एडोब सीसी फोटोशॉप। मैं फोटोशॉप यूज करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता तो आप ऑनलाइन भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। मैं मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर का साइट दे रहा हूँ, आप उधर क्लिक करके आपका स्नैपशॉट का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी इजीली। तो मैं पहले से ही बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हूँ, उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। दिस इज द रिमूव्ड बैकग्राउंड स्नैपशॉट। एंड आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो आप जिस ड्यूरेशन में स्नैपशॉट उठाए थे उस ड्यूरेशन में आपको वीडियो कटिंग करना है, बिकॉज आपको नहीं तो याद नहीं रहेगा कि कौन कौन सा ड्यूरेशन में आप स्नैपशॉट उठाए थे पहले। या तो आपको ड्यूरेशन का टाइम लिख कर रखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका होगा आप वीडियो कटिंग कीजिए, उस कटिंग में ही आपका जो स्नैपशॉट है वो ऐड होगा। तो मैं बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ स्नैपशॉट पहले वीडियो में ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद सेकेंड स्नैपशॉट सेकेंड ड्यूरेशन में ऐड कर लेता हूँ और बाकी जाएगा थर्ड स्नैपशॉट थर्ड में ऐड कर लेता हूँ। और तीनों स्नैपशॉट को ही मैं वीडियो के ड्यूरेशन के साथ एक साथ ड्यूरेशन कर देता हूँ। अब आपको कुछ भी ब्लेंडिंग मोड में जाने का ज़रूरत नहीं है। ये हो जाने के बाद आप वीडियो को डायरेक्टली प्ले कीजिए। तो दिस गोना शो यू द फ्रीज फ्रेम इफेक्ट सीक्वेंस इन एनी वीडियो। आप कुछ भी वीडियो पे ये इफेक्ट कर सकते हो। सो प्रीटी मच फॉर टुडे नाउ, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइब माय चैनल ओनली सिनेमैटिक। सी समथिंग सिनेमैटिक, सी समथिंग न्यू। बाय बाय, टेक केयर।